आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाटा ग्रुप की एक इमर्जिंग स्टॉक टाटा केमिकल के बारे में। टाटा केमिकल को आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने का मेन रीजन ये रहा है कि रिसेंट में इस कंपनी ने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लिथियम आयन बैटरी बनाने पे की है और लिथियम आयन बैटरी का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाएगा। आने वाले समय में जिस तरह से व्हीकल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर, इस प्रकार से लग रहा है कि लिथियम आयन बैटरी का डिमांड बहुत ही ह्यूज बढ़ने वाला है। और बात करें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंटायर कॉस्ट का, 30% के आसपास लिथियम आयन बैटरी का कॉस्ट आता है। टाटा केमिकल्स का इन्वेस्टमेंट लिथियम आयन बैटरी में करने के कारण इन हाउस फैसिलिटी से लिथियम आयन बैटरी के खर्चे में लगभग 80% की गिरावट आ जाएगी, जिसके कारण होगा ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो करंट प्राइस है उसमें लगभग 30% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो क्या आपने इस स्टॉक को पहले से बाइंग कर रखा है या फिर फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हाय, दिस साइड प्रिय रंजन, यू आर वॉचिंग ट्रेडर्स ड्रीम। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हमारा मिशन है इंडिया के सभी रिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टाटा ग्रुप के प्रमुख कंपनियों में से एक टाटा केमिकल लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1939 में, और ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका की मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है और ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। टाटा ग्रुप की ऑनेस्टी और मैनेजिंग कैपेबिलिटी देख करके इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है वैसे ही डायरेक्टली लिथियम आयन बैटरी का डिमांड बढ़ेगा, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी टाटा केमिकल होगी। और जिस प्रकार से टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों ने रिटर्न देते आया है वैसे ही ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में टाटा केमिकल भी एक अच्छी रिटर्न देने में साबित होगा। बात करें अगर इस कंपनी के अंदर होल्डिंग पैटर्न्स की तो इस कंपनी के अंदर लगभग 38% की होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिख रहा है और लगभग पिछले 5 क्वार्टर में इस होल्डिंग में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिला है। पहले ये 30% के आसपास की थी, वहीं आज के डेट में ये 38% की होल्डिंग दिख रही है। साथ ही बात करें अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की होल्डिंग की तो वो अभी भी अच्छी खासी है और लगभग 25% के आसपास की होल्डिंग है, जिस होल्डिंग में पिछले कुछ क्वार्टर में कुछ गिरावट देखने को मिला है। उसके साथ ही अगर बात करें FI+FPI की होल्डिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है और अभी के डेट में लगभग 12.5% के आसपास की होल्डिंग है। किसी भी कंपनी में 40% के आसपास की होल्डिंग अगर प्रमोटर की होती है तो उस कंपनी को प्रमोटर होल्डिंग के प्रोस्पेक्ट से स्ट्रांग माना जाता है। इसके साथ ही एक शुभ संकेत ये भी है कि इस कंपनी के अंदर 0 प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, जो कि एक अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बात करें अगर इस कंपनी के रिटर्न की तो जहां इस कंपनी ने पिछले 5 साल में लगभग 110% की रिटर्न दी है, वहीं मात्र 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 250% की रिटर्न दी है। और जहां इस कंपनी ने 220 का लो बनाया है वहीं रिसेंट में इस कंपनी का हाई 800 देखने को मिला है, जिसका मतलब ये है कि टेक्निकली भी ये कंपनी स्ट्रांग दिख रही है और इसका मूविंग एवरेज हाई है, जो कि शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है। बात करें अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की पॉइंट्स की तो ये कंपनी स्ट्रांगली EPS को मेंटेन कर रही है, साथ में ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ इस कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। साथ में ही ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। बात करें अगर PE रेशियो के तो जहां सेक्टर का PE लगभग 25 के आसपास है वहीं ये कंपनी लगभग 3 के PE पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। साथ में ही अगर बात करें बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के लगभग 1.5 गुना ट्रेड हो रहा है, जहां इस कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 520 के आसपास है। साथ ही ये कंपनी लो डेट कंपनी है,
जिसके कारण आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड आएगी तो उसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी टाटा केमिकल होगी और टाटा केमिकल स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपने देखा है 52 वीक लो से इस कंपनी ने बहुत ही तेजी से रिकवरी की है और अभी भी RSI या मूविंग एवरेज देखे तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी कंपनी टेक्निकली चार्ट पे भी स्ट्रांग दिख रही है। बाकी कुछ भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार सलाह जरूर ले ले और किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले खुद उस स्टॉक को एनालाइज कर ले। बाकी मेरा सजेशन ये है, अपने होल्डिंग्स की लगभग 2% के आसपास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।